सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से अपने पेटीएम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। यह है पेटीएम अकाउंट, आप परमानेंटली पेटीएम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, चाहे आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी वजह से अपने पेटीएम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड हो और आप डिलीट करना चाहते हैं कि पेटीएम अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दें, तो बिल्कुल आप अपने अपने फ़ोन से पेटीएम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वाले लोगो पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सबसे नीचे आ जाइएगा, यहाँ से 24x7 पे क्लिक कीजिएगा। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। सबसे नीचे यहाँ पे चलाना, आपको व्यू ऑल कैटेगरी पे यहाँ पे क्लिक कर देना आपको। उसके बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पे और जाना है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल सेटिंग मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो आपको पहले पढ़ के मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे कह रहा है यहाँ पे, सिलेक्ट एन इशू डेट डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम। जैसे पहला कह रहा है, आई वॉन्ट टू अपडेट माई फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे नहीं, हमको अपडेट फ़ोन नंबर नहीं करना। आई सेकेंड में कह रहा है, आई वॉन्ट टू अपडेट प्रोफाइल डिटेल, ये भी नहीं करना। आई वॉन्ट टू क्लोज डिलीट माई अकाउंट, तो ये हमको करना है, इस पर 3 नंबर पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको जब यूज नहीं करना है पेटीएम अकाउंट, तो यहाँ पे 3rd नंबर पे क्लिक कीजिएगा, आई डोंट यूज दिस पेटीएम अकाउंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे नीचे उसके बाद चले आना है आपको, यहाँ से मैसेज एज पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो नंबर आपका पेटीएम पे है, उसे डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई किए हैं पेटीएम अकाउंट को, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट डाल दीजिएगा। जैसे कि आधार कार्ड से ही वेरीफाई होता है, फुल केवाईसी होता है, जो भी केवाईसी करवाए हो वो पेटीएम अकाउंट का, वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाल दीजिएगा। पी के घींच का एक फ़ोटो खींच कर यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कह रहा है क्या, उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डाल देना है पेटीएम पेमेंट बैंक का। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आपका वॉलेट में या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा है, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे, इसलिए आप एक अकाउंट नंबर दे दीजिए। यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, सेकंड में आईएफएससी कोड, होल्डर नेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे ब्रांच डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको कह रहा है कि अकाउंट डिलीट करने के लिए आप कोई भी एक पासबुक का प्रिंट डाल सकते हैं, पासबुक का यहाँ पे कह रहा है, फ्रंट साइज का एक पासबुक पेज भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास कैंसिल चेकबुक है तो इसे भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। सबसे आसान है, पासबुक का फ्रंट पेज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्री पे कर दीजिएगा, एग्री पे कर दीजिएगा क्लिक। यहाँ पे डिस्क्राइब, यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम है वो यहाँ पे लिख देना, कि इस वजह से हम पेटीएम अकाउंट को यूज नहीं करना चाहते हैं, मुझे पेटीएम यूज नहीं करना है और इसे हम डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली, तो यहाँ पे जो भी टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको एक लिंक पेटीएम की तरफ से भेजा जाएगा, उस लिंक पे सिर्फ आप कंफर्म कर दीजिएगा, आपका परमानेंटली के लिए पेटीएम अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप फिर से कभी भी केवाईसी करवाना चाहते हैं तो आप केवाईसी करवा सकते हैं। तो ये था फुल प्रोसेस पेटीएम अकाउंट को डिलीट करने का। मुझे तो डिलीट नहीं करना अभी है, तो इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन नहीं तो मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको दिखा देता कि किस तरीके से आपको पेटीएम अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।